सोनाक्षी सिन्हा का आज मायू का दिन है और शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। सोनाक्षी अपने वालिदैन के घर से रुखसत ले चुकी है और इस वक्त अपने जाती खरीदे गए घर बैंड्रा में मौजूद है, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा ने अपने दोस्तों को और बॉलीवुड स्टार्स को भी इनवाइट किया हुआ है, जहां पर जहीर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा के मायू की तकरीबात का सिलसिला शुरू होगा। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तकरीबात के हवाले से जितनी तैयारियां हैं, इस वक्त वो इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप के ऊपर हैं और इंडियन सोशल मीडिया इस सरनी को ट्रोल भी करना शुरू कर चुका है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा की शादी एक मुसलमान के साथ होने जा रही है। वो सोनाक्षी जिसके घर से राम राम की सदाएं बुलंद होती थी, आज वो सोनाक्षी उस घर में जा रही है जिस घर में सुबह का आगाज ही अल्लाह अकबर की सदा के साथ होता है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की जो तकरीबात है, इनमें जो बूम है वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। और सोनाक्षी सिन्हा ने जैसा कि पहले ऐलान किया था कि मेरी शादी जहीर इकबाल के साथ होगी, जिनको सोनाक्षी गुज़िश्ता 7 सालों से डेट करती आ रही है, और आज बिल आखिर सोनाक्षी सिन्हा की शादी की जो प्री वेडिंग सेरेमनीज है उसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है, आप समझ लें। और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इसके ऊपर खामोशी तोड़ दी है और एक साफी के जवाब में शत्रुघ्न ने कहा कि खामोश, अपने काम से काम रखो, अगर मेरी बेटी शादी कर रही है तो मैं मुंबई में मौजूद हूं और अपनी बेटी की शादी में शिरकत करूंगा, इसलिए यहां पर मौजूद हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बॉलीवुड के नामी ग्रामी एक्टर हैं और इस वक्त सियासत में भी उनका खासा रोल है, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पॉलिटिक्स इंडस्ट्री, तो दोनों के अंदर अपना खूब नाम और मकाम रखते हैं। सोनाक्षी की भी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि दुनिया भर के जो मद्दा हैं वो सोनाक्षी को ना फकत देखते हैं बल्कि सोनाक्षी के काम को प्रमोट भी करते हैं। और सोनाक्षी सिन्हा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी उम्र से राज करना शुरू हो चुकी थी, आज बिलाखिर वो पिया घर सुधारने जा रही है। और सोनाक्षी की शादी की जो प्री वेडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह हुई है कि सोनाक्षी ने आज की सरमी से पहले एक बैचलर पार्टी रखी, जिसमें सोनाक्षी ने अपने करीबी दोस्तों को इनवाइट किया और साथ जहीर इकबाल के दोस्तों को इनवाइट किया, और वहां पर खूब हल्ला गुल्ला हुआ। और आज सोनाक्षी ने अपनी इस मायू की तकरीबात के लिए एक खास थीम भी चुना है, जिसमें इंडिया के जो टॉप डिजाइनर्स हैं उनकी भी राय ली गई है, और सोनाक्षी के जो अपने दोस्त डिजाइनर्स हैं उन्होंने भी सोनाक्षी को इस शादी के थीम के बारे में पूरा ब्रीफ किया है। और शादी की जितनी तकरीबात होंगी वो एक खास थीम के ऊपर होंगी, और सोनाक्षी ने ट्रोलर्स के लिए भी खास पैगाम दिया है कि अब अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।